कुछ ही क्षण में हमारे मंच में आ रही है लघु नाटिका हो रही है जो टीम बाहर से आ रखी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत एक सांस्कृतिक देश है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के पर्व में साथ रहते हैं, दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आज हमारे सनातन धर्म के लिए एक खुशी का दिन है, एक उत्सव है, क्योंकि राम लला पधार रहे हैं। इसी पर आधारित हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं राम लला घर आए हैं। पवित्र हो जाता है, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं, सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। साथियों, राम के नाम में तो इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैरने लग जाते हैं। अरे वाह साथियों, आज हम जिस शक्ति का, जिस जादू का अनुभव कर रहे हैं वो हमारे रामलला की, क्योंकि हमारे रामलला घर पधार रहे हैं। हमारी पवित्र अयोध्या नगरी में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन साथियों, ये रास्ता इतना आसान नहीं, मुश्किलों से भरा, कई संघर्षों से होकर हम गुजरे हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे कैसे हमने ये सपना देखा और कैसे ये साकार हो पाया। मेरी झोपड़ी क्या खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मम्मी, मम्मी देखो ना, आज मैं अपने आप से तैयार हो गया हूँ, और मेरा नाश्ता दे दो, और टिफिन भी, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। बेटा नाश्ता बाद में करना, अभी तरह भगवान राम के आगे तरह हाथ तो जोड़ ले, प्रार्थना तो कर ले। माँ पता है, मैं ना सुबह उठते ही भगवान राम के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली थी, लेकिन आप बोलती हो ना तो मैं दोबारा से कर लेता हूँ। जय श्री राम। जीता रे बेटा, जीता रे, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। देख, प्रार्थना तो जितनी की जाए उतनी कम होती। माँ मैं एक सवाल पूछूं? पूछो बेटा। हमारे देश में ना इतने सारे मंदिर हैं, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर है, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, सोमनाथ में, सब जगह भगवानों के तीर्थ स्थल हैं, लेकिन जहाँ मेरे रामलला का जन्म हुआ था अयोध्या में, उनका मंदिर क्यों नहीं है? कब बनेगा बेटा? बनेगा। इस सवाल का जवाब तो पूरा भारत जानना चाहता है, हर भारतवासी चाहता है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बने। लेकिन बेटा ये काम तो सरकार ही कर सकती है। तो मैं सरकार करती क्यों नहीं है? क्या सरकार भगवान राम की पूजा नहीं करती, भगवान राम को मानती नहीं है? बेटा मानती तो है, लेकिन शायद उन्हें अपनी राजनीति से फुर्सत ही ना मिलती हो,
कि वो भगवान राम के बारे में कुछ सोच सके। माँ ये राजनीति क्या होती है? बेटा इस सवाल का जवाब तो ना तू अपने दादाजी से पूछियो। दादाजी से? बिल्कुल। दादाजी आ गए। दादाजी दादाजी आ गए। बहुत अच्छा दादाजी। अरे क्या ऐसी गहरी बातें हो रही थी माँ और बेटे में? बस यही सवाल जवाब, पूरे दिन इसके सवाल जवाब करते रहते। मैं तो कहती हूँ सवाल जवाब अपने दादाजी से किया कर, मुझसे तो बिल्कुल नहीं। इतने सवाल पूछता है तू? अच्छा बहू तेरा नाश्ता तैयार है? हंस तेरी की दलिया तो मैं गैस पर ही भूल गई बाबू जी। एक मिनट में मैं लेके आती हूँ। तैयार हो गए दादाजी? मैं ना स्कूल ही जा रहा था लेकिन मम्मी से ना मैंने एक सवाल पूछा तो मम्मी ने बोला कि इस सवाल का जवाब ना तेरे दादाजी बहुत अच्छे से दे देंगे। हाँ बेटे पूछ पूछ, क्या पूछना चाहता है? दादाजी मैं ये जानना चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, लेकिन मम्मी है ना वो कहती है कि अयोध्या में राम मंदिर ना सरकार ही बना सकती है, लेकिन सरकार के पास तो टाइम ही नहीं है मंदिर बनाने के लिए, तो दादाजी मंदिर कब बनेगा? बेटा बात तो तेरी सही है, सरकार को अपनी राजनीति से फुर्सत मिले तब तो वो राम के बारे में सोचे। तो बाबा जी सरकार सोचती क्यों नहीं है? क्या सरकार भगवान राम को नहीं मानती? भगवान राम तो सबके हैं, आपके मेरे इस सारे संसार के हैं। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, देखना बेटा एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब अपने ही भारत देश से कोई ये आवाज उठाएगा, और देखना फिर उसके बाद एक दिन बाद जो है राम मंदिर बन के रहेगा। दादाजी आप देखना एक दिन ना मैं भी उनके साथ अपनी आवाज उठाऊंगा। अरे बेटा पहले तो अपने बैग उठा, स्कूल के लिए देरी हो रही है। ठीक है दादाजी। अरे बहू। हाँ? अरे बहू जरा मैं ये कृष्णा को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, रास्ता आने के बाद करूंगा मैं। ठीक है? ठीक है बाबूजी। बाय मम्मी। बाय बेटा। आज सवेरे मेरे पास अशोक जी का संदेश आया, काफी गंभीर लग रहे थे, तुम्हें पता है किसी को? अरे भैया गंभीर तो छोड़ो, चिंतित लग रहे थे। हाँ पता नहीं ऐसा क्या हो गया हो? कुछ अंदाजा है कि क्या बात हो सकती है? अरे मैंने तो सुना है हमारे देश के अलग अलग कोने से कई कार सेवकों को बुलाया गया है। अरे भैया कार सेवक छोड़ो, पता है कितने कार सेवक आ रहे हैं? कार सेवक आ रहे हैं लाखों में, और साथ ही साथ जो हमारे विजेंद्र जी है ना वो भी हमारी सहायता कर रहे हैं, और वो भी लाखों लाखों के लाखों कार सेवकों को बुला रहे हैं। भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे कार सेवकों, वो सपना जो हमारे पूर्वज देखते हैं, वो सपना जो हम और आप सब देखते हैं, उसको साकार करने का वक्त आ चुका है। ये सरकार अपने सत्ता के लालच में भूल चुकी है, हमारे श्री राम को भूल चुकी है, लेकिन हम नहीं भूले हैं, क्योंकि श्री राम हमारे आत्मा में बसते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आह्वान करता हूं, यह ऐलान करता हूं कि आप सभी लोग एक साथ एकजुट होकर आए और अयोध्या चले, जहां जाकर श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करें। हम दिखा दें कि हमारे प्रभु के लिए हमारे दिल में क्या स्थान है। हम शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, और एक दिन जरूर आएगा जब हमारे राम लला अपने घर पधारेंगे। मैं इस उद्घोष के साथ आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए कि राम लला घर आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आइए राम लला घर आएंगे, मंदिर वही।
भरपूर तरीके से जा रहे हैं। और मंदिर बनाने वाले तुम कौन होते हो? ये काम सरकार का है, वो बनाएंगे। चलो भागे। अरे भाई, मुझे तो लगता है ये सभी अपने आप को सरकार समझ बैठी है। चुपचाप ना पीछे हो जा, वरना मार मार के सबका भूत बना दूंगा मैं। देखो, यकीन करो भाई, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं। हम इस भारत वर्ष में रामलला को लाने आए हैं, अयोध्या में उसे बैठाने आए हैं। रामलला अयोध्या में चलने थे, क्या वहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए? हमें नहीं पता वहाँ बनेगा या नहीं, ये काम सरकार करेगी और सरकार को बहुत काम है। चलो भागो यहाँ से। हम वर्षों से देखते आए हैं, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। भारत जाग चुका है। अरे जाग चुका है तो हमें सुनाना भी आता है। झंडा देख रहा है, जब पढ़ता है ना तो अच्छे अच्छे सो जाते। तुम क्या पीछे हो? आप सब मेरे शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन मेरे आत्मा को घायल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आत्मा ने श्री राम भक्त है। श्री राम लला कराएंगे। हम नहीं झुकेंगे साथियों।
दोगे, लेकिन हमारी आत्मा को कैसे करोगे? हमारी आत्मा में तो प्रभु राम बसते हैं और मेरे राम जलाल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे राम जलाल जरूर आएंगे। तुम हमारे ऊपर जितना चाहे उतना जुल्म कर लो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। एक दिन वो जरूर आएगा जब हमारे राम लला अपने घर पधारेंगे, वो एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। काली अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती, उसी तरह कई सालों बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। देश के लोगों ने भर भर कर उन्हें समर्थन दिया, प्यार दिया, और लोगों के इस प्यार, इस भरोसे के जरिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकी, जिसकी कमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली है। भारतीय जनता को यह विश्वास हो गया कि अब हमारे राम लला घर जरूर आएंगे। उस पवित्र अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा। और देखिए ना, आज हमारी आंखों के सामने वो भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। यह एक अद्भुत सपने के साकार होने जैसा ही तो है, जो सपना हमने देखा था, हमारे बच्चों ने देखा था, हमारे माता पिता ने देखा था, उस सपने को साकार किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारी देश की जनता ने उन्हें भरोसा दिया, विश्वास दिया, हमारी देश की जनता का भरोसा, आस्था, उस आस्था का सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो संकल्प उन्होंने 2014 में किया था उसे पूरा कर दिखाया है। आइए आइए हम और आप सभी मिलकर उनके कुछ विचारों को सुनते हैं। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने, नर को नारायण से जोड़ने, लोक को आस्था से जोड़ने, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का, और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग्दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। साथियों,
जो सपना हमने देखा था वो अब साकार हो गया है। तो आइए मिलकर प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं। जय श्री राम।